बहुत चर्चा पर चर्चा इधर 3-4 दिन से हम लोग आपके बीच में, मैं खुद नहीं था, आप लोग घबरा रहे थे कि राजभर जी किधर चले गए। देखिए, लंबे समय से हम लोग महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को, जो इन महापुरुषों ने 106 साल संघर्ष करके वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के जो निचले पादान पे खड़े, जिस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था कि जो निचली पादान पे व्यक्ति है उसको ऊपर लाने का प्रयास हो, उस लड़ाई को हम लोग आज लगभग 20 साल से लड़ रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाकर हम लोग लड़ रहे हैं। बराबर हम उनके हक अधिकार सम्मान की बात जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो उनके सोच थे उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए। इधर राष्ट्रपति जी का चुनाव आया, बड़ी चर्चा हुई, हमने अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की, अपने 6 विधायकों से बातचीत की, जो मैं आपके बीच में नहीं था तो अपने विधायकों से बैठक करके बातचीत उनसे किया, पार्टी फोरम में बात रखी, और बात रखने के बाद हमने सबको अवगत कराया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको बुलाया, और 8 तारीख को मैं डिनर पार्टी में गया, और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और द्रौपदी मुर्मू जी और तमाम साथियों के तरफ से ये मेरे सामने बात रखी गई कि आप वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हो, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद कहा कि मैं सबसे निचली पादान से आती हूँ, अब मुझे जो जानकारी मिली है, जो मैं आपको विषय में जानती हूँ कि आप लड़ाई कमजोर की लड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में आप हमको समर्थन दीजिए, इस बात की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया। मैंने कहा कि मैं अकेले आपके बीच में आया हूँ, हमारे विधायक उनसे बात नहीं किया हूँ, पार्टी फोरम पे बात नहीं किया हूँ, सबसे बातचीत करके हम आपको अवगत कराएंगे। तो उसके लिए 12 तारीख को एक तारीख आप लोगों को बताई गई कि 12 तारीख को इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश को, देश को दी जाएगी। उसी बीच एक घटना घटती है, माननीय मुलायम सिंह जी की पत्नी का देहांत होता है, उस कारण इसको हमने टाल दिया।